अध्याय का चत्वारिंशो अध्याय। मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहां आना और दृष्टिपात मात्र से पास छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चला जाना, शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ का उपसंहार। सूत उवाच। स्कंद सरो नाम सरह सागर सन्निभम् अमृत स्वादु शिशिर स्वच्छागाधर उदकम् समततः कंकटितम् पटिकोपल संचय सर्वतो कुसुम फुल्लच्छादिताखिल किमुखम्। सूची कहते हैं वहाँ मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंद सर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट शीतल स्वच्छ अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। सुखवतरणारोह थल नील शिलामय सोपन मार्ग रुचिर शोभमान सिंहुकम्। सरोवर में सेवार उत्पल कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहाँ सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिखाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। आत्मार्थम च परार्थम च देवतार्थम विशेषतः आनीयमान सलिल मात पुष्पम च नित्यशः। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए वलकल पहने सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुड़ाए ललाट में त्रिपुंड लगाए वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घरों में कमलनी के पत्ते के दोनों में सुंदर कलशों में कमंडलुओं में तथा वैसे ही कर्मों आदि में अपने लिए दूसरों के लिए विशेषतः देव पूजा के लिए वहाँ से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। अंतर्जल शिलारूढ़ ऋचानां स्पर्श शङ्खयः आचारवद्भिर्मुनिभिः कृतभस्मङ्गधूसुरः इतस्तोप्सुमग्रभिरिष्टशिष्टः शिलागतः तिलश्च साक्षतः पुष्प त्यक्तदर्भपवित्रकः देवदमेशे माध्यं च निर्वर्त्यापि त्रितर्पणम् निवेदाय दभिकेव नित्यस्नानगतां द्विजान्। आचार संपन्न भस्मोद्धूलित शरीर वाले सम्मान्य शिष्ट मुनिजन अपवित्र पुरुष आदि के स्पर्श से शंकित रहते हुए उस सरोवर में जहाँ जहाँ जल में डूबी शिवपुई शिलाओं पर स्थित हो स्नान कृत्य संपन्न करते हैं। देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण करने के उपरांत छोड़े गए कुश दिल अक्षत पुष्प तथा पवित्र आदि से युक्त वह सरोवर स्नान आदि धर्म कृत्यों के संपादना आए हुए द्विजों का मानव परिचय सा देता रहता है।
स्थाने स्थाने क्रेताने बलि पुष्पा समीर है स्वराज्य पूर्व को दिखम कोचिन मजदुन मजत प्रशस्त गजयूतपम क्वचित्त जलोपेर्मयूरवारवारुणम् क्वचित् कृतटाघात विषप्रतिवृषोज्ज्वलम्। स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्पवली आदि मंत्रों के उच्चारण पूर्वक दी जाती है। कुछ लोग सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदिकाओं पर देवताओं की अर्चना में निरत रहते हैं। उस सरोवर में कहीं श्रम के कारण शिथिल शरीर वाले श्रेष्ठ गज डूबते उतराते हुए जल क्रीड़ा करते हैं और कहीं प्यास बुझाने के लिए हरण हरणियाँ और घोड़े आते दिखते हैं। वहाँ पर कहीं तो जल पीकर उड़ते हुए मयूर परस्पर स्पर्धा सी करते हैं तो कहीं पर तटों के आहत करते हुए ऋषभ अपने प्रतिद्वंदी विषमों से लड़ते हुए शोभित होते हैं। क्वचित् कारण्डवर क्वचित् सारस पूजित क्वचित् च पुकनीनाद क्वचित् कामर कीर्तिः स्नानपानादिकरण त्वसंपत्तुं जीविभिः प्राणायाक्षणिभिस्तस्तद्भाषमाणिवासकृत् कुलशाखी शिखालीन कुल पूजित है अत पोपाहान सर्वान्न मंत्रयदीपानिशम्। कहीं कारंडव पक्षियों की ध्वनि हो रही है, वहीं सारसों का पूजन सुनाई दे रहा है। कहीं वो पक्षी चक्रवात शब्द कर रहे हैं और कहीं भौरे गुंजन करते हुए मानो गीत सगा रहे हैं। वह सरोवर जल में स्नान पान आदि करते हुए अपने समीपवर्ती वृक्षों का आश्रय लेकर रहने वाले जीव जंतुओं से मानो प्रेम पूर्वक बार बार वार्तालाप कर रहा है। वह सरोवर अपने तटवर्ती वृक्षों की चोटियों पर बैठकर गुंजन करती हुई कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि के बहाने से मानो आतप से संतप समस्त सभी जीवों को निरंतर आमंत्रित सा करता है। उतरतस्य सरस्तीर कल्पतरोरुह विद्यां वज्रशिलामय मृदुले मृगचर्मणि तनत्कुमारमासीन शश्वद्वारवपुर्धरम् तत्कलमात्रोपारतम् समधिरचलात्मनः उपस्यमानं मुनिभिर् योगीन्द्रपि पूजितम् तद्रीशुर्न विषेयास्ते प्राणकाश्चोपतस्थिरे। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्पवृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृगचर्म बिछाकर सदाबाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उस समय व्रत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगेश्वर भी उनकी पूजा कर रहे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आस पास बैठ गए। तमोलह शुशुवे तावत् दिवी दुन्दुभिनिस्वनः ददृशतक्षणे तस्मिन् विमानं भानुसन्निभम् परश्वरसङ्ख्येय समृतं च समन्ततः अप्सरो गणसङ्कीर्ण रुद्रकन्याभिलावितम् मृदङ्गमुर्जोद्घुष्टम् वेणुनीलार्पान्वितम्। शरद कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे जो ही अपने आगमन का कारण बताना आरंभ किया तो ही आकाश में दुंदुभियों का तुमुल नाद सुनाई दिया। उस समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ जो असंख्य गणेशों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थी। वहाँ मृदंग ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। चित्र रत्न संवृतम् वीरगोविशचिह्नेन विद्रुमद्रुमयश्चिना कृतगोपुरसत्कार हेतुनमान्य हेतुना तस्य मध्ये विमानस्य चामरदितयान्तरे तत्र श्यामणिदण्डस्य
चंद्र सेवा शुकेर धन दिव्य सिंहासनारूढ़ दिव्य सुयश जासह श्रिया च वपुषा चैव त्रिभिश्चापि विलोचनः प्राकारैरभिकृत्यानं प्रत्यभिज्ञपपं प्रभुः अविलङ्घ्य जगत्कर्तुः प्राज्ञापानमिवागतम् सर्वानुग्रहणं शम्भो साक्षादेव पुरः स्थितम्। उस विमान में विचित्र जगत से जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से मुनि सिद्ध गंधर्व यक्ष चारण और किन्नर नाचते गाते और बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवनों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणि में दंड वाले शुभ छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाल पुत्र नंदी देवी सुयसा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले नंदी मानो जगत श्रेष्ठा शिव के अलंगनी आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए थे अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुआ था। विश्वेश्वर गणाध्यक्षम विश्वेश्वरमिपापरम विश्वस्यापि विधातॄणं निग्रहानुग्रहक्षमम् चतुर्बाहुमुदारंग चंद्ररेखविभूषितम् कंठनगेन मौलोच शशांकेन अभ्यलंकृतम् सविक्रमी वैश्वर्यं सामर्थ्यमिव सक्रियम्। शोभाशाली श्रेष्ठ शूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर के गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व श्रेष्ठ विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके चार भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार हैं। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। ब्रह्मपुत्रः सहर्षिः तस्थौ प्राञ्जलिरूपाय तस्यात्मानमिवर्पयन् अत्र तत्रान्तरे तस्मिन् विमलचावधिङ्गते प्रणम्य दण्डव्यदेव श्रुत्वा व्यज्ञापयन् मुनिं चक्रुलीय इमे दीर्घम् भली भांति प्राप्त हुए मोक्ष अथवा निकट उपस्थित हुए सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रतीत होने वाले उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये छह कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। पाषाणान् दृष्टिपातिर् सद्य एवं धर्मं चश्वरं ज्ञानयोगं तत्त्वा भूयो देवपाशो जगाम। ब्रह्मपुत्र संत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पासों को तत्काल काट डाला और ईश्वरी से धर्म और ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमारे च तत् समस्तं व्यासाय साक्षात् गुरुवे ममोक्तं व्यासेन चोक्तं महीतेन मह्यं माया च तत्त्वः कथितं समासात्। शरद कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया। पूजनीय व्यास ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताया। पुराण रत्नम पुरुष
शाश्वतस्य न भक्त शेष्याय च नास्ति केभ्यो गतं हि मोहाभिरयं ददाति। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जिस शिष्य की गुरु में भक्ति न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनाधिकारियों को इसका उपदेश दे दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया लिया पढ़ा अथवा सुना है उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सुते वाराणसी परी सर्वसती अथ चे पशु पशुमुखयात पशुपथ अधिकृताखिल बोध समय सूर्य जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और नैमिषारण्य के अंतर्गत स्थित प्रयाग तीर्थ में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कली काल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदंतर पशुपास से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनिंद्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। पठितव्यं प्रयत्नेन श्रोतव्यं च अथैव हि नास्तिकाय न वक्तव्य अश्रद्धाय तथाय च अवताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च। व्यास जी कहते हैं यह शिव पुराण पूरा हुआ इस हित कर पुराण को बड़े आदर और प्रयत्न से पढ़ना और तथा सुनना चाहिए। नास्तिक श्रद्धाहीन शख्स महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित धर्म ध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। पुनः श्रुते च सद्भक्ति मुक्ति स्यात् च श्रुते पुनः तस्मात् पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यं हि मुमुक्षुभिः। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारम्बार इसका श्रवण करना चाहिए। पंचावृत्ति प्रकर्तव्य पुराणस्य सद्धिया परम फलं समुद्दिश्य तत्राप्नोति न संशयः पुरातनस्य राजानं विप्रावेश्य च सत्तमः सप्तकृत्वस्तदा वृत्त्या लभन्त शिवदर्शनम्।
किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। शिव पुराणं शिवस्याति प्रियं परम भक्ति मुक्ति प्रदं ब्रह्मा संयुतं भक्ति वर्धनम् एतच्चैव पुराणस्य भक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणस सुतः सांब शंकरोतु स शंकरः। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी ये लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने परमत गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवी संहितायां उत्तरखंडे व्यासोपदेश श्री शिव महापुराण महात्म्य वर्णनम नामक 44 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के उत्तरखंड में व्यासोपदेश एवं श्री शिव महापुराण महात्म्य वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध सम्पूर्ण समाप्तोयम ग्रंथ। श्री श्याम शिवार्पण मस्तु। ओम नमः शिवाय।